कोई ए नंबर ग्रेड का स्टेशन दिया गया था, कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है, ना लेटरिन की व्यवस्था है। यात्री इतने परेशान होते हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ जाके अपने मूत्रालय बना लेते हैं। जहाँ एक और मुरैना रेलवे स्टेशन एक ग्रेड की रेलवे स्टेशनों की श्रेणियों में आता है, वहीं दूसरी ओर मुरैना रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का अभाव है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 एवं 3 पर यात्रियों के बरसात से एवं धूप से बचने के लिए छाया का कोई इंतजाम नहीं है, जिसके कारण यात्री धूप एवं बरसात से बचने के लिए उधर उधर भटकते रहते हैं। चलो जानते हैं यात्रियों से कि टिन सेट न होने के कारण उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाँ तो वैसा क्या क्या परेशानियाँ आती हैं टिन सेट नहीं होने की वजह से? टिन सेट ना होने के बाद ये लोग यात्री आते हैं, उनका सामान ही बिगड़ता है, और कुछ बीमार भी हो जाते हैं बच्चे, और जैसे गर्मी है धूप से लोग कोई लोग परेशान भी हो रहे हैं। जब हम तुम भी बैठे हैं ना, जब भी यहाँ धूप लग रही है, गर्मी लग रही है, थोड़ा टीन होता है तो फिर राहत मिलती है आपको, हमको भी। बिल्कुल, तो आपके हिसाब से क्या व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ये कि ये धूप की और छाँव की व्यवस्था हो जाए? ज़्यादा ना हो तो टीन टेस्ट हो जाए ना, हो तो उससे थोड़ी राहत मिल जाएगी, तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी, गर्मी नहीं लगेगी, बहुत धूप भी नहीं लगेगी, धूप में बैठे हैं और सुमावली वाले से आए हैं ना। कितने दूर से आए हो आप? 25 किलोमीटर से। अभी टीन सेट नहीं है यहाँ पे, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? धूप में बैठे हैं, बच्चे ले कर, बच्चे बीमार हो जाए। बहुत धूप पड़ रही है ना, जाकर बच्चे लेकर बैठे हैं धूप में। कितने घंटे हो गए आपको यहाँ बैठे हुए? 3-4 घंटे हो गए। नंबर 2 और 3 पर टीन सेट ना होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी होती है, गर्मियों में भी परेशानी होती है, धूप में भी खड़ा होना पड़ता है, गाड़ियों का टाइम टेबल फिक्स नहीं रहता है, गाड़ियाँ टाइम अवेल लेट अवेल होती रहती हैं, तो इस समस्या यात्री इतने परेशान होते हैं कि उनको धूप में छाँव की जरूरत रहती है, ठंड में भी है ठंड लगती है तो हवा भी चलती है, तो यात्री काफ़ी परेशान होते हैं, रात के समय भी यात्री परेशान रहते हैं, तो जिस मौसम में जो मौसम आता है उस मौसम से हिसाब से टीन सेट की पर्याप्त व्यवस्था ना होने से यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है। सबसे बोला गया है कि यहाँ टीन सेट नहीं है, सांसद भी यहाँ बन चुके हैं, विधायक भी यहाँ बन चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, पर स्टेशन के हिसाब से कोई ए नंबर ग्रेड का स्टेशन दिया गया था, कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। वो प्लेटफॉर्म बोल रही टीन सेट नहीं है, उसके चक्कर में लोगों को इधर उधर गर्मी के मौसम में बरसात के मौसम में बैठना पड़ता है बचाव के लिए। वो इस कंडीशन में क्या होता है, उधर ट्रेन आ जाती है, बुजुर्ग होते हैं वो वहाँ से पहुँचते हैं, इधर से पहुँचते पहुँचते ट्रेन निकल जाती है, तो बुजुर्ग होने के कारण वो चलने फिरने में लाचार रहते हैं, उतने स्पीड से नहीं चल पाते, जिस स्पीड से नवयुवक नौजवान चल लेते हैं। बरसात के मौसम में कई बार ऐसा भी होता है कि फिर वो ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं, फिर स्लिप हो जाता है, तो उस फिर स्लिप होने के चक्कर में गिर पड़ते हैं, उनके चोट हो जाती है, चोट लग जाती है, इसलिए कम से कम टीन सेट तो लगनी चाहिए, जिससे कम से अपना बचाव भी कर सकें और वहाँ से वो ट्रेन में बैठ भी सके। तो नंबर 2 और 3 पर तो पर्याप्त टीन सेट की व्यवस्था होनी चाहिए, हैं यहाँ कुलियों की कोई व्यवस्था नहीं है, हैं पार्सल की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इस चीज़ की कोई व्यवस्था है नहीं है प्लेटफार्म में। ये ऐसा लगता है कि कहीं गाँव जैसा प्लेटफार्म है, ये मुरैना जो स्टेशन बनाया गया है एक नंबर के साथ, इसको एक नंबर कहते ही नहीं है। समस्या के समाधान के लिए समुदाय के साथ बैठक कर आवेदन लिखा गया, इसके पश्चात स्टेशन मास्टर महोदय से समस्या के ऊपर बात की गई और आवेदन सौंपा गया। वीडियो देखने वाले दर्शकों से मैं अनुरोध करती हूं कि स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करें और कहें कि रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 एवं 3 पर टीन सेट की व्यवस्था की जाए, जिससे कि यात्रियों को
धूप एवं बरसात से एवं सर्दी के होने वाली परेशानियां खत्म हो सके। ज्योति कदम, मुरैना, मध्य प्रदेश, इंडिया, अनहर्ड के लिए।